हाँ जी सर, थोड़ा की नाम है, थोड़ी की मांग है? सत श्रीकाल जी, मेरा नाम है रोहित कुमार, मैं प्रधान कमलाइन दल मेडिकल कॉलेज पटियाला बोल रहे हैं। असी पिछले 10 साल तो लैके 16 साल तो मेडिकल कॉलेज पटियाला अमृतसर के काम कर रहे हैं। तो साड़ी इको एक प्रजोर मंग है कि सानू रेगूलर करो, तो सिर्फ रेगूलर करने की साड़ी मंग है, क्योंकि 2019 दे विच सिर्फ और सिर्फ जब ब्रह्महिंद्रा जी ने सानू लिख के दिता सी तां लिखती रूप दे विच दे के ब्रह्महिंद्रा जी ने 598 नर्सिंग स्टाफ नू तां रेगूलर कर दिता, ते दर्जा 4 कर्मचारी 130 ते साडे एनसली स्टाफ दे 75 बंदियां नू रातों रात अखो परोके करदे होए उहनां नू रेगूलर नहीं कीता। तो साडा रोस वजो असी हुण रोज़ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार नू जताना चाहते हैं कि असी रह गए हैं, तो सरकार नू पुरजोर अपील करते हैं कि साडे जिहड़े बंदे रह गए हैं उन्हां नू रेगूलर करो, और वो सानू रेगूलर नहीं करते तो असी किसी भी हद तक जाने लई तैयार हैं, क्योंकि पिछले साल तुसीं देखदे हो कि 2019 दे विच नर्सिंग स्टाफ दे विच साडी करमजीत कौर भैन ने हिम्मत करके जान मारी थी तो उन्होंने तुसीं रेगूलर कर दिता। क्या सरकार हर वारी यही चाहते कि एक बंदा कुर्बानी दे, तो कुर्बानी देने तो बाद असी रेगूलर करांगे? सरकार दी क्यों अखो परोखे सानू कराया जा रहा समझ नहीं आ रही। कोरोना काल दे विच जिस समय पूरे दे पूरी साडी टीम कोरोना काल जब सारे डिपार्टमेंट अपने घरां दे विच बैठे काम कर रहे सी तां साडे मेडिकल लाइन दे विच चाहे दर्जा 4 ने, दर्जा 3 ने, जां दर्जा 2 ने, जां दर्जा 1 ने, हरेक बंदे ने पूरे पुरजोर ते काम कीता, जोर ला के काम कीता, ते साल साल डेढ़ डेढ़ साल किसी ने अपने बच्चों नू हाथे भी नहीं। चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी, असी बहुत चिर तो देख रहे, 10 साल तकरीबन हो गए सानू देखते हो, ये बच्चे जो दिन रात सरकार दे ते मुलाजमान की सेवा करते हैं, तो इन्हां नाल बिल्कुल ही बेइंसाफी हो रही है। पिछे जे माणयोग रामिंद्रा जी ने साडियां भैणां जो नर्सिंग स्टाफ से उन्होंने पक्के करके इन्हों बेइंसाफी की, बहुत ही मनपाती घटना हुई है। असी फिर मुलाजम भलाई दल वालों ये पुरजोर अपील करते हैं, असी इन्हों खड़े हैं, इन्हों का पूरा समर्थन करते हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी भी तो मुलाजम भलाई दल भी, कि इन्हों कर्मचारियों रेगूलर किया जाए, जो इन्हों के हो बंदे हक ने वो बांग जिदा होर दिते जहाँ भी लोग हुक्म करेंगे जाने वास्ते उत्थे असी तैयार हूँ हर पास। इन्हां की मंगा पूरी होना चाहिए, तो जरा कच्चे है इन्होंने पक्के किया जाए। हाँ जी सर, थोड़ा की नाम, थोड़ी की मंग है? मेरा नाम राजेश कुमार है जी, प्रधान एनसीडी ते पैरामेडिकल स्टाफ एसोसीएशन। साडी सरकार तो इक्को ही मंग है, असी बार बार सरकार नूं हर बार मैसेज ही ला रहे हैं भी असी ठेके ते 10-12 साल तो कम कर रहे हैं, सरकार सानू रेगूलर करे। जिमें कि सारिआं नूं पता ही है भी मंत्री ब्रह्महिंद्रा जी इत्थे आई सी, उन्होंने लिखती रूप दे विच वादा कीता सी साडे नाल भी 7 मार्च 2019 नूं थोड़ियां सेवावां रेगूलर कर दित्तियां जाणगियां, पर अज तक रेगूलर नहीं होईआं। जेकर मंत्री इदा ही लिखती वादे करके मुकरन लग गए तो इन्हां ते विश्वास कौन करूगा? असी जदों आपदी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो विश्वास करके पाने भी यह साडा अगे जाके साडी गल नूं रीप्रजेंट करेगा, पर जेकर उही रीप्रजेंट करन वाला ही बंदा सानू लिखती दे के मुकरन लग गया तो अगे तो इन्हां ते कोई विश्वास भी नहीं करेगा। मैं कैप्टन साहब नूं भी यही गल कहना चाहुंदा, क्योंकि उन्होंने गुटका साहब चक के सहुं खाधी सी कि पहली कैबिनेट के कंट्रैक्ट मुलाजमों रेगूलर किया जाऊगा, पर अजे तक 4.5 साल बीत गए, कैप्टन साहब भी नहीं सुन रहे, जिहड़ा भी कोई धरने मुजाहरे करन जांदा है उन्होंने कुट कटापा किया जाता है। जेकर सरकार ने यही कुछ करना होंदा तो सरकार वोटां वेले क्यों नहीं इहो कुछ करदी? वोटां दा हथ वंड के लैंदी है, पर जदों सत्ता दे विच आ जांदी है तो फिर वह मुलाजमान जां आम लोगों कुटन दे तुल जांदी है, क्योंकि उन्होंने कोल पावर आ जाती है, पुलिस वाले उन्होंने हो जाते हैं।